बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनीस मुगल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में लोग जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहे हैं व्हाट्सएप पे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग भी मतलब क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे मेरे नंबर से रिलेटेड, फ़ोन नंबर से रिलेटेड, व्हाट्सएप नंबर से रिलेटेड, तो फ़ोन नंबर जो है मैंने यहाँ आप लोग सामने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंशन किया हुआ है। और इसके अलावा मैं ट्राई करता हूँ कि जितनी भी वीडियोस होती हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ पे अपना नंबर जो है फ़ोन नंबर मेंशन कर दूँ, ताकि आप लोग जो है जब कांटेक्ट करना चाह रहे होते हैं, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, क्यूरीज होती हैं, जो फिर क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग अपनी जो है वो सर्विसेज को अवेल करना चाह रहे होते हैं, वो लोग भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू दी व्हाट्सएप। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर सामने मैंशन है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना फ़ोन नंबर मैंशन कर दूंगा। तो जो हमारा टॉपिक है वो है बिल वेरिफिकेशन से रिलेटेड। इस वक्त बहुत ज़्यादा इश्यू चल रहा है अमेजोन पे बिल वेरिफिकेशन का, यूटिलिटी बिल वेरिफिकेशन का, तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों के सामने मैं रखना चाहूँगा। कुछ लोग जो है वो फॉर इट सेल्फ जो है बार बार ट्राई कर रहे होते हैं, बार बार उसको एडिट करके सबमिट करवाने की ट्राई कर रहे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जब एक दफ़ा रिएक्शन आ गई अमेजोन की तरफ से, आप लोग बार बार सबमिशन ना करवाएं। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 10 बार लोग लगे हुए हैं, आप ऐसे ना करें। एक बार करवाइए, दो बार करवाइए, ठीक है, नहीं हुई आप किसी एक्सपर्ट की सर्विसेज ले लें। यहाँ पे मैंने भी नोटिफिकेशन यहाँ पे लगाया था और यहाँ पे पोस्ट भी लगाई थी यूट्यूब के ऊपर भी कि हम लोग जो है सर्विसेज दे रहे हैं इसकी बिल वेरिफिकेशन की, अगर आप लोग इस तरह का कोई इशू फेस कर रहे हैं तो हमारी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आप बार 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 ट्राई करते हैं तो नहीं हो रहा होता, तो हमें खुद कंसिडर कर लेना चाहिए कि जब नहीं नहीं एक्सेप्शन हो रही, एक्सेप्ट नहीं कर रहा अमेजोन, तो आप लोग वहाँ पे उसको स्किप कर दो किसी एक्सपर्ट की जो कि जानता है इस काम को, जो कि उसे पता है कि कैसे इसको जो है वेरीफाई करवाना है, कैसे सबमिशन करवानी है, उसकी सर्विसेज को अवेल कर सकते हो आप। ये चीज़ आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि बार बार सबमिशन आप लोगों ने नहीं करवानी। एक दफ़ा रिजेक्शन हो गई है, दो दफ़ा हो गई है, आप किसी एक्सपर्ट को दे दो अकाउंट, या फिर अगर आप लोगों को लगता है कि आप कर सकते हो तो आप खुद भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये कन्विंस नहीं कर रहा आप लोगों को कि आप मुझसे ही सर्विसेज लो, मैं जस्ट यहाँ पे आप लोगों को सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। आप लोगों ने मतलब बार बार वो है जो है वो रेपिटेशन नहीं करनी, एक बार दो बार। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा सबमिशन करवाई हुई है, बहुत ज्यादा बार उन्होंने जो है वो अमेजोन को बार बार कन्विंस करने की ट्राई की हुई है, तो ऐसा आप लोगों ने नहीं करना। अगर रिजेक्शन आ गई है तो आप एक अच्छे तरीके से जो है वो सबमिशन कराएं। और यहाँ पे दूसरी बात जो मेंशन करना चाहूंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ब्राउजर है मेरे सामने, इस ब्राउजर के ऊपर कोई अकाउंट मेरा डीएक्टिवेट हुआ है, तो अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है तो इस अकाउंट के ऊपर जो मेरा बिल वेरिफिकेशन का इशू बना हुआ है, यूटिलिटी बिल वेरिफिकेशन का, उसको मैंने यहाँ पे लॉग इन नहीं करना। उसको यहाँ पे लॉग इन करके जब मैं इसको सबमिशन करवाने की ट्राई कर रहा हूँगा तो हो सकता है मेरा अकाउंट उस अकाउंट के साथ लिंक हो जाए। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि आप लोगों ने अपने अकाउंट को लिंक होने से बचाना है। लेट्स सपोज अगर आपका अकाउंट लिंक हो गया है तो आप लोग जैसे मतलब आपका जो अकाउंट है वो अगर बिल वेरिफिकेशन उसकी हो भी जाती है तो वो लिंक वाला अलग से एक नया इशू बन जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने इस इशू से बचना है, और ये बातें आप लोगों ने माइंड में रखनी होती हैं ताकि किसी भी किस्म के प्रॉब्लम से आप बच सके इन फ्यूचर। जब इस तरह के इश्यूज फेस कर रहे होते हैं हम, तो फिर हमें आइडिया नहीं होता कि फिर उसको जो है वो जैसे एक इशू से हम निकलते हैं तो दूसरा सामने आ जाता है। तो आप लोगों ने ये सारी चीज़ों को माइंड में रख के चलना होता है, और बिल वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो है ये सारी चीज़ें आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि बार बार जो है वो आपने सबमिशन नहीं करवानी, और इसके अलावा आपने इस तरह से अकाउंट को लॉगिन नहीं करना जैसे मैंने बताया था कि लिंक ना हो जाए आपका अकाउंट। और फिर अगर जो है आप बार 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 एडिट करके सबमिट करवा रहे होते हो तो ये आप काम भी आपने नहीं करने के, बार बार सबमिशन एडिट करके नहीं करवानी, और फेक की तरफ जो लोग जाते हैं फेक की तरफ भी ना जाएं। मेरी तो ये सजेशन है आप लोगों से, ठीक है, और ये चीज़ें जो है आप लोगों ने माइंड में रखनी है। और फिर भी अगर आप लोगों को मजीद इश्यूज फेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड, बिल वेरिफिकेशन से रिलेटेड, यूटिलिटी बिल वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप लोग जो है मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।